Hello students, welcome to all for today's class. आज हम लोग कल के ICDS प्रोग्राम को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो कल ICDS प्रोग्राम में हम लोगों ने सर्विसेज तक देख चुका था. सर्विसेज में हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न कैटेगरी के बेनिफिशियरीज को क्या क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ICDS प्रोग्राम. तो आज हम लोग वही सर्विसेज, हर एक सर्विसेज को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं. तो फर्स्ट सर्विसेज था सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिएटिव फूड मटेरियल. ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग पूरक तत्व भोजन. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है आंगनवाड़ी केंद्र में, इन कम्युनिटीज एरियाज में, विलेजेस एरियाज में जो आंगनवाड़ी केंद्र होती हैं, आंगनवाड़ी केंद्र जो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती हैं, एक आंगनवाड़ी सेंटर जो होती है वो कितने पॉपुलेशन को? 1000 पॉपुलेशन को ये कवर करती हैं. ठीक है, तो ICDS का प्रोग्राम हम लोग जानते हैं कि ये आंगनवाड़ी केंद्र में ही चलाया जाता है. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी आंगनवाड़ी केंद्र में प्रोवाइड किया जाता है. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में सबसे पहले किन हम लोग देखते हैं? चिल्ड्रंस के लिए. तो चिल्ड्रंस के लिए वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या न्यूट्रिशन, कितना कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है? तो सबसे पहले चिल्ड्रेन आते हैं एज ग्रुप बिलो वन ईयर. ठीक है, बिलो वन ईयर के बच्चों को कैल्शियम प्रोवाइड किया जाता है 200 मिलीग्राम, एंड प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है उनको 8 to 10 ग्राम. प्रोटीन उनको प्रोवाइड किया जाता है 8 to 10 ग्राम. देन आता है चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप 1 to 6 ईयर. 1 to 6 ईयर के बच्चों को कैल्शियम प्रोवाइड किया जाता है 300 मिलीग्राम, एंड प्रोटीन उनको प्रोवाइड किया जाता है 15 ग्राम. ठीक है, देन आता है नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर और लैक्टेटिंग मदर. ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को कैल्शियम प्रोवाइड किया जाता है 500 मिलीग्राम, एंड प्रोटीन उनको प्रोवाइड किया जाता है 25 ग्राम. तो इस तरह से हर एक न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसे क्या बेनिफिट हो सकता है. तो बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से उनको माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है, किनको? चिल्ड्रन. नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से क्या होता है, बच्चों को हम किस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं? माल नरिश होने से उनको बचा सकते हैं, मतलब कुपोषण होने से हम उनको बचा सकते हैं. नेक्स्ट सप्लीमेंट में, नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन को वहां प्रोवाइड किया जाता है क्या? फोलिक एसिड सप्लीमेंट. ठीक है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट मीन्स आयरन टैबलेट. ठीक है, इसे प्रोवाइड करने से क्या होगा, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को किस चीज से? आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से, एनीमिया से. ठीक है, तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट अगर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे वुमेन जिनको नीड है फोलिक एसिड का, ठीक है, तो ऐसे अगर हम फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र में, तो क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिवेंट किया जा सकता है किससे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से. नेक्स्ट सप्लीमेंट्री आता है, इसके साथ साथ आता है क्या, विटामिन ए सप्लीमेंट.
विटामिन ए सप्लीमेंट। आप लोग को पता होगा कि विटामिन ए सप्लीमेंट किनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए का सप्लीमेंट जो है ये 0 to 6 ईयर के बच्चों को विटामिन ए का सप्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री है ये वो कैसा डोज क्या है विटामिन ए सप्लीमेंट्री का। तो सबसे पहले ओरल प्रोफाइलेक्स डोज देते हैं विटामिन ए का, तो 1 डोज मतलब फर्स्ट डोज जो है वो कितना दिया जाता है, 1 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और ये किसको, टू इन्फेंट को दिया जाता है। इन्फेंट मीन्स हम इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट्स उसको बोलते हैं जो 24 मंथ बिलो 24 मंथ के बच्चों को, मतलब जो बच्चे 0 to 1 ईयर के बीच आते हैं उन बच्चों को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है सिक्स मंथली डोज, ठीक है। विटामिन ए सप्लीमेंट्री जो प्रोवाइड करते हैं वो है कितना, 2 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट, 2 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट। और इसको किसको देते हैं हम लोग, चिल्ड्रन जिनका एज ग्रुप होता है 1 to 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये है विटामिन ए का सप्लीमेंट, फर्स्ट हम लोग देते हैं कितना, फर्स्ट सिंगल डोज इनको दिया जाता है, फर्स्ट डोज इनको दिया जाता है 1 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट। और इसका एज ग्रुप कितना है, 6 to 11 मंथ के बच्चों को। नेक्स्ट ये 6 मंथली प्रोवाइड किया जाता है, और ये दिया जाता है 6 मंथ में एक बार, ठीक है। ये दिया जाता है 2 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट, और ये एज ग्रुप कितना से कितना, 1 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को ये दिया जाता है। अगर हम विटामिन ए का सप्लीमेंट देते हैं तो किस चीज से बच्चों को, किस डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देने से हम चिल्ड्रन को बचा सकते हैं किस चीज से, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो क्या है, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग विटामिन ए का सप्लीमेंट दे रहे हैं तो चिल्ड्रन को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। तो ये सारा जो सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, लाइक फॉर आयरन टैबलेट और कैल्शियम हो गया, या फिर विटामिन ए का सप्लीमेंट हो गया, या फिर न्यूट्रिटिव फूड, तो ये सारे मेडिसिन या फिर ये सारे सप्लीमेंट देने का मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है चिल्ड्रंस का एंड प्रेग्नेंट वुमेन का एंड वीमेन एज ग्रुप 16 to 44 ईयर्स, ठीक है। 16 to 44 ईयर्स के वीमेन का हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, करना। एंड चिल्ड्रन का हेल्थ स्टेटस, साथ ही साथ उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी इम्प्रूव करना होता है। एंड ये सब जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है ये सारा प्रोवाइड होता है, आप लोग को पता होगा कि ये सारा प्रोवाइड होता है कहाँ पे, आंगनवाड़ी केंद्र में। एंड आंगनवाड़ी वर्कर का एक काम इसमें ये भी होता है कि वो क्या करती हैं, हर एक फैमिली जो, ठीक है, जो हर एक फैमिली, जो जितने भी फैमिली कम्युनिटीज एरिया में हैं उस सारे फैमिली में वो सर्वे करती हैं एंड वो आइडेंटिफाई करती हैं ऐसे बच्चों को जो एज ग्रुप जिनका आता है बिलो दी 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर से कम के बच्चों को वो फाइंड आउट करती हैं एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर को वो फाइंड आउट करती हैं, ठीक है। फाइंड आउट करने के बाद वो और एक काम क्या करती हैं कि उनमें से देखती हैं कि कितने बच्चे माल नरिश हैं या फिर कितने बच्चे अंडर वेट हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंड कितने सारे प्रेग्नेंट वीमेन हैं जो अनहेल्दी हैं, ठीक है, जिनको न्यूट्रिशन का नीड है, जिनको मेडिसिन का नीड है, तो ऐसे बच्चों को वो सर्वे करती हैं, ऐसे वुमेन का सर्वे करती हैं और एक लिस्ट तैयार करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं कि ये सारे बच्चों को, ये सारे प्रेग्नेंट वुमेन को एंड लैक्टेटिंग मदर को
वो हर एक सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोशिश करती है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोशिश करती है। न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने से क्या होगा कि उनका जो भी हेल्थ गैप है वो हेल्थ गैप जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आता है किसमें, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो आज हम लोग देखें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, ICDS प्रोग्राम का नेक्स्ट सर्विसेज है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या करना है, इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, एक वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चों को वैक्सीन से जो प्रिवेंट करने वाला डिजीज है उस डिजीज से उन बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो मेनली वैक्सीन से 6 प्रिवेंटेबल डिजीज, 6 ऐसा डिजीज है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जाता है जा सकता है किनको, चिल्ड्रन को। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ये विलेजेस एरिया में या तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में। ठीक है, तो सिक्स ऐसा कौन कौन सा डिजीज है जिसको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें है फर्स्टली है कौन सा डिजीज, पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस है, नेक्स्ट है डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है पर्टुसिस, नेक्स्ट है टेटनस, नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस एंड लास्ट है मिजल्स। तो इतने सारे 6 डिजीज हैं जिसको इम्यूनाइजेशन के तहत हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर आंगनवाड़ी केंद्र। तो ये सारा इम्यूनाइजेशन बच्चों को नेसेसरी है उनको प्रोवाइड करना ताकि इन सारे डिजीज से बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो डिजीज है ये डिजीज के लिए अगर हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं मोर्टालिटी मोर्बिडिटी रेट को। ठीक है, एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सारे डिजीज से, ये सारे मोर्टालिटी से या फिर मोर्बिडिटी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ये सारा मेडिसिन, ये सारा इम्यूनाइजेशन, ये सारा वैक्सीनेशन हम चाइल्ड को प्रोवाइड करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, जो चाइल्ड का मोर्टालिटी रेट है। ठीक है, चाइल्ड का जो मोर्टालिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी रेट, तो ये दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं तो चाइल्ड मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी मीन्स हम कल ही बताए थे क्या होता है, डिजीज रेट। मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट एंड मोर्बिडिटी मीन्स होता है डिजीज रेट। तो ये सारा रेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रेग्नेंट वीमेन को भी इम्यूनाइज किया जाता है, किस चीज से, अगेंस्ट टेटनस। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वीमेन को भी टेटनस के अगेंस्ट क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि मटेरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी को रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस मटेरनल मोर्टालिटी एंड नियोनेटल
मेंटालिटी। ये दो चीज हम रिड्यूस कर सकते हैं किससे, अगर हम प्रेग्नेंट वीमेन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं तो। मदर्स का डेथ रेट को एंड न्यूनेटल बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का डेथ रेट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट हम लोगों ने देखा किसमें, इम्यूनाइजेशन में। इम्यूनाइजेशन में क्या करना है कि इम्यूनाइजेशन में ऐसा 6 वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके, ऐसा 6 डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके। 6 डिजीज हम लोगों ने देखा क्या क्या था, पोलियोमिलाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। ठीक है, तो ये सारे डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किनको, चिल्ड्रन को। देन हम लोगों ने देखा कि अगर वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, चाइल्ड का मोर्टालिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर थर्ड वन हम लोगों ने देखा इसमें कि प्रेग्नेंट वीमेन को अगर इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है तो क्या होता है, किसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन किया जाता है, टेटनस के अगेंस्ट, तो उनको बचाया जा सकता है किसे, मटेरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी से उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था इम्यूनाइजेशन में। नेक्स्ट सर्विसेज हमारा है क्या, ICDS का नेक्स्ट सर्विसेज है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप में क्या करना है, हेल्थ चेकअप कौन कराती है, कहाँ किया जाता है हेल्थ चेकअप और किनका होता है। तो हेल्थ चेकअप हम लोग ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं किनका, कौन से चिल्ड्रन इसमें लाभान्वित होते हैं एंड बिलो दी 6 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो हेल्थ चेकअप किनका, बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है, साथ ही साथ एंटीनेटल मदर का एंड एक्सपेक्टेंट मदर का एंड पोस्टनेटल मदर का हेल्थ चेकअप किया जाता है। हेल्थ चेकअप में है कौन कौन आते हैं, हेल्थ चेकअप में बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्टनेटल मदर एंड एक्सपेक्टेंट मदर, तो इनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। अगर हेल्थ चेकअप में पाया गया कि बच्चे माल नरिश हैं या फिर प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं वो उनका हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, किनके द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा एंड साथ ही साथ जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं तो इनके द्वारा ये सारा हेल्थ चेकअप उनको प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें मेंटेन किया जाता है वेट एंड इम्यूनाइजेशन कार्ड और बच्चों को हेल्थ कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हेल्थ चेकअप करने के बाद ये सारा चीज हेल्थ कार्ड में मेंटेन किया जाता है। बच्चों का जो रेगुलर वेट चेकअप हो रहा है तो इनके बारे में उनमें मेंटेन किया जाता है एंड साथ ही साथ जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है तो इम्यूनाइजेशन कार्ड में हर एक इम्यूनाइजेशन के बारे में मेंटेन किया जाता है। और साथ ही साथ हेल्थ चेकअप में जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ या फिर जो विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो डिजीज हुआ तो ये सारे चीजों के लिए भी हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाता है। अगर हेल्थ चेकअप के टाइम पे पता चला कि कोई भी बच्चों का उनका हेल्थ अंडर वेट आ रहा है या फिर कोई भी बच्चे माल न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं तो ऐसे बच्चों को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल सर्विस के लिए उनको रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर आंगनवाड़ी वर्कर के जो सुपरवाइजर हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे कि माल नरिश बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऐसे बच्चे को ट्रीट किया जा सके। तो ये सारा पॉइंट आता है हेल्थ चेकअप के अंदर में। नेक्स्ट सर्विसेज हम लोग देखते हैं रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज में क्या होता है, ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप ड्यूरिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग
ठीक है। और ये काम कौन करती है? आंगनवाड़ी वर्कर। अगर हेल्थ मॉनिटरिंग के टाइम पे पाया गया कि बच्चे माल नरिश हैं, अंडर वेट हैं, देन आंगनवाड़ी में अच्छा हेल्थ केयर नहीं, इतना फैसिलिटी नहीं है कि प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके, तो बच्चों को ऐसे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है या फिर मेडिकल ऑफिसर के थ्रू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में उनको रेफर किया जाता है, ताकि वहाँ पे अच्छे से अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके एंड बच्चों को माल न्यूट्रिशन से क्योर किया जाए। नेक्स्ट सर्विसेज है प्री स्कूल एजुकेशन। आंगनबाड़ी ही एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पे ये फोकस किया जाता है कि बच्चों का डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कम से कम एज ग्रुप 6 ईयर तक वहाँ पे हो सके। ऐसे इन्वायरमेंट, इंजॉयफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिंगल अप हो सकें, एंड वहाँ पे वो लोग ही स्टार्ट करते हैं लेटर कैचअप करने का, ठीक है। तो इस तरह से उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, एंड साथ ही साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन। आप लोगों को पता होगा न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन किन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो हेल्थ एजुकेशन बच्चों के मदर को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को एंड ऐसे वुमेन जिनको नीड है, जैसे एज ग्रुप 16 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप के वुमेन को, ठीक है, उनको हेल्थ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, तो इन सारे चीज़ों के बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, ताकि मदर्स हैं वो न्यूट्रिशन के बारे उनका नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि वे बेबी को अच्छे से न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड कर सके, उनका हेल्थ स्टेटस का ध्यान दे सके, एंड साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो अपना हेल्थ का ध्यान कर सके एंड न्यूट्रिटिव फूड वो ले सके, ताकि उनका हेल्थ मेंटेन रहे एंड वे हर एक डिजीज से प्रिवेंट हो सके। तो ये था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक सर्विसेज खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीडीएस टीम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आईसीडीएस टीम। तो आईसीडीएस टीम में कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व हैं जो कि इस प्रोग्राम को आगे रन करते हैं? तो इसमें फर्स्ट आते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, नेक्स्ट आते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर, सुपरवाइजर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर। इन मेडिकल ऑफिसर दो आते हैं, फर्स्ट है एनएम एंड नेक्स्ट है आशा। एनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एंड आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये सारे मेंबर्स हैं जो आईसीडीएस टीम में आते हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल पार्टनर। तो इंटरनेशनल पार्टनर में फर्स्ट आते हैं यूनिसेफ, सेकंड केयर, थर्ड WFP। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एंड केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये तीन इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो ICDS प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ नर्सेस। रोल ऑफ ये सबसे इम्पोर्टेंट, नर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि नर्सेस का रोल्स क्या है इस प्रोग्राम में, एक नर्स एज ए नर्स वो क्या रोल प्ले करेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर। फर्स्ट रोल होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना।
सेकेंड है सुपरविजन, थर्ड है इवैल्यूएशन एंड फोर्थ है रिसर्च, फिफ्थ है हेल्थ एजुकेशन। तो ये सारे फाइव पॉइंट है जो नर्सेस के रोल्स में आते हैं। फर्स्ट है क्या, ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो पोस्टेड होती है कम्युनिटीज एरियाज में, ठीक है। तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आंगनवाड़ी वर्कर को वो ट्रेंड करे, एंड साथ ही साथ वो ट्रेंड करती है डाइस को सप्ताह में दो बार, सप्ताह में दो दिन वो उन्हें ट्रेंड करती है, वो एजुकेट करती है कि किस तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्या क्या इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है, किस तरह से हेल्थ चेकअप करना है, क्या क्या सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड करना है, एंड क्या रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड होना चाहिए, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करती है एक कम्युनिटी नर्स, किनको, आंगनवाड़ी वर्कर को, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप, रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री फीडिंग, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू रेफरल सर्विसेज, एंड वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट है सुपरविजन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो सुपरवाइज करे, एंड वो आंगनवाड़ी केंद्र में क्या करती है, राउंड करती है एंड सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करती है कि किस तरह से हेल्थ उनका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, अटेंडेंस मेंटेन हो रहा है, ये सारे चीज़ों को, एंड डेली क्या परफॉर्मेंस हो रहा है बच्चों का, ये सारे चीज़ों के बारे में वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और साथ ही साथ नर्स जो है वो चेक करती है किनको, ग्रोथ मॉनिटरिंग कार्ड, ठीक है, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग कार्ड को वो चेक करती है, और साथ ही वो अंडर नरिश एंड हाई रिस्क चिल्ड्रन को फाइंड आउट करती है ताकि उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल होता है जहाँ पे कि हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो भी हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो भी सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारे मेडिकेशन से सप्लीमेंट से क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, ये हेल्थ एजुकेशन से कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता किया जा सकता है, और इवैल्यूएशन एक इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। पीरियोडिकली इवैल्यूएशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू असिस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द ICDS। नेक्स्ट है इट कैन बी डन बाय इवैल्यूएटिंग द ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन चार्ट, हेड टू फुट इंस्पेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड कंपेयरिंग द प्रेजेंट डाटा विद प्रीवियस रिकॉर्ड अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट इवैल्यूएशन किया करती है नर्स कैसे, थ्रू इवैल्यूएटिंग द ग्रोथ चार्ट, वो ग्रोथ चार्ट को इवैल्यूएट करती हैं, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन चार्ट को, एंड चिल्ड्रन को हेड टू टो इंस्पेक्शन, मतलब उनका फिजिकली इंस्पेक्शन करती हैं ताकि पता चल सके कि बेबी चिल्ड्रंस जो है वो माल नरिश है या फिर फिजिकली फिट है। एंड नेक्स्ट वो क्या करती हैं, कंपेयर करती हैं प्रेजेंट डाटा को प्रीवियस डाटा के साथ, कंपेयर करती हैं पहले जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था, रिकॉर्ड रखा गया होगा 1 month 2 month प्रीवियसली, तो वो डाटा के साथ फिलहाल अभी का जो इवैल्यूएट हुआ तो उस डाटा के साथ उसको मैचअप करती है कि अगर कोई एक बच्चा का डाटा देख रही है तो उसमें ये उनको पता चलता है कि प्रीवियसली बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट या फिर उनका हेल्थ स्टेटस कैसा था एंड अभी कैसा है,
कुछ सुधार आया है या फिर पहले जैसे ही है या फिर पहले से ज़्यादा ही खराब है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को वो इवैल्यूएट करती हैं। लास्ट वन, नेक्स्ट वन है रिसर्च। अ नर्स कैन कंडक्ट रिसर्च इंडिपेंडेंटली इन रिसर्च प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। सी कैन वर्क एज अ टीम लीडर इन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च, ठीक है। तो नर्स क्या कर सकती है, वो कंडक्ट कर सकती है क्या, रिसर्च कंडक्ट कर सकती है कोई एक रिसर्च जो भी रिलेटेड टू कम्युनिटीज एरिया में, कोई भी रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है, वो रिसर्च कंडक्ट कर सकती है। और इस रिसर्च में अगर वहाँ पे कोई भी रिसर्च हो रहा है तो एज ए टीम वर्क, टीम लीडर वो काम कर सकती है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, हेल्थ एजुकेशन। She should make arrangement of health education program for expectant and nursing mother attending Anganwadi once in a week. Next role में क्या बोलता है कि उनको क्या करना है, make arrangement of health education program. जो भी health education program होना है उसके लिए उनको arrangement करना है, किनके लिए। नेक्स्ट है इट कैन बी डन बाय इवैल्यूएटिंग द ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन चार्ट, हेड टू फुट इंस्पेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड कंपेयरिंग द प्रेजेंट डाटा विद प्रीवियस रिकॉर्ड अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट में नेक्स्ट इवैल्यूएशन किया करती है नर्स कैसे, थ्रू इवैल्यूएटिंग द ग्रोथ चार्ट। वो ग्रोथ चार्ट को इवैल्यूएट करती हैं, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन चार्ट को एंड चिल्ड्रन को हेड टू टो इंस्पेक्शन, मतलब उनका फिजिकली इंस्पेक्शन करती हैं ताकि पता चल सके कि बेबी चिल्ड्रंस जो है वो माल नरिश है या फिर फिजिकली फिट है। एंड नेक्स्ट वो क्या करती हैं, कंपेयर करती हैं प्रेजेंट डाटा को प्रीवियस डाटा के साथ, कंपेयर करती हैं पहले जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था, रिकॉर्ड रखा गया होगा 1 मंथ 2 मंथ प्रीवियसली, तो वो डाटा के साथ फिलहाल अभी का जो इवाल्वेट हुआ तो उस डाटा के साथ उसको मैचअप करती है कि अगर कोई एक बच्चा का डाटा देख रही है तो उसमें ये उनको पता चलता है कि प्रीवियसली बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट या फिर उनका हेल्थ स्टेटस कैसा था एंड अभी कैसा है, कुछ सुधार आया है या फिर पहले जैसे ही है या फिर पहले से ज़्यादा ही खराब है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को वो इवाल्वेट करती हैं। लास्ट वन, नेक्स्ट वन है रिसर्च। अ नर्स कैन कंडक्ट रिसर्च इंडिपेंडेंटली इन रिसर्च प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। सी कैन वर्क एज अ टीम लीडर इन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च, ठीक है। तो नर्स क्या कर सकती है, वो कंडक्ट कर सकती है क्या, रिसर्च कंडक्ट कर सकती है कोई एक रिसर्च जो भी रिलेटेड टू कम्युनिटीज एरिया में, कोई भी रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है, वो रिसर्च कंडक्ट कर सकती है। और इस रिसर्च में अगर वहाँ पे कोई भी रिसर्च हो रहा है तो एज ए टीम वर्क, टीम लीडर वो काम कर सकती है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, हेल्थ एजुकेशन। सी शुड मेक अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर अटेंडिंग आंगनवाड़ी वंस इन अ वीक। नेक्स्ट रोल में क्या बोलता है कि उनको क्या करना है, मेक अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम होना है उसके लिए उनको अरेंजमेंट करना है, किनके लिए। दिस प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड द डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया विथ ORS एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मदर्स शुड बी इंकरेज टू अटेंड आंगनवाड़ी। इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है किस किस चीज़ों के बारे में, जैसे कि डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया किस चीज़ से, ORS गोल से, एंड मैक्सिमम नंबर में मदर्स को इंकरेज करना है कि वो आंगनवाड़ी जाएं एंड आंगनवाड़ी में जो भी सर्विसेज, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उस चीज़ में वो अटेंड करें। दे शुड बी मेड
अवेयर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइडेड बाय एसडीए प्रोग्राम। तो नर्सेस जो होती हैं उनका ये इम्पोर्टेंट रोल है कि वो मदर को अवेयर करें कि मदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अटेंड करें आंगनवाड़ी में, एंड मदर को नर्सेस अवेयर करें कि वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज, जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड होती हैं एसडीएस प्रोग्राम, तो इस सारे एसडीएस प्रोग्राम में क्या क्या सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, तो इस सारे चीज़ों के बारे में नर्स जो है वो मदर को क्या कर सकती हैं, अवेयर कर सकती हैं, और मदर को उनको अवेयर करना है। ठीक है, तो ये था फिफ्थ पॉइंट, ये नर्सेस रोल का था फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट देखा था ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर, सुपर नेक्स्ट था सुपरविजन, थर्ड था इवैल्यूएशन, एंड फोर्थ रिसर्च, एंड फिफ्थ है हेल्थ एजुकेशन। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट टॉपिक था आईसीडीएस प्रोग्राम का। आईसीडीएस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आईसीडीएस प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था, ऑब्जेक्टिव देखा, सर्विसेज देखा, आईसीडीएस टीम देखा, इंटरनेशनल पार्टनर्स देखा, एंड लास्ट वन रोल ऑफ नर्सेस देखा। तो इस तरह से आईसीडीएस प्रोग्राम जो है वो यहीं पे इसका क्लास ख़त्म होता है। और लास्ट में मैं एक आप लोगों को न्यूज़ देना चाहती हूँ कि अभी आईसीडीएस प्रोग्राम का जॉइंट सेक्रेटरी कौन है, तो इंडिया में जो आईसीडीएस प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसका जॉइंट सेक्रेटरी है डॉक्टर राजेश कुमार। ये कौन है, ये है एसडीएस के जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, एंड एसडीएस प्रोग्राम डायरेक्टर हैं श्री श्री नवेंद्र सिंह, श्री नवेंद्र सिंह ये हैं डायरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आईसीडीएस प्रोग्राम के बारे में क्लास। ठीक है, ये प्रोग्राम का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।